वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर एक को पढ़ाऊंगी। एग्जाम से मुताल्लिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, सबक नंबर एक एक नज्म है और इस नज्म का नाम है सुबह की आमद। मैं यहाँ पर आपको नज्म भी पढ़कर बताऊंगी और इसका मतलब भी बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसका मतलब भी पूछा जा सकता है। तो पहले नज्म पढ़कर बताती हूँ। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला जमाने में फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। तो इस बंद का मतलब एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, लिखोगे इस बंद में शायर ने सुबह के आने का पैगाम दिया है कि सुबह कहती है कि मैं आ रही हूँ और मेरे आने से चारों तरफ रोशनी फैल गई है। सूरज चूँकि मशरिक से निकलता है इसलिए सुबह की बहार और रौनक है। इस तरह सुबह सोने वालों को उठने जागने के लिए कह रही है, उठ जाओ सुबह आ रही है। अब अगला बंद पढ़कर बताती हूँ। अजा पर अजा मुर्ख देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चह चह चहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अब इस बंद का मतलब बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखोगे। तो इस बंद की तशरीह होगी, इस बंद में शायर कहता है कि सुबह होते ही मुर्ख अजा दे रहा है, हर एक जानवर खुश है, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हैं और ठंडी हवा चल रही है, इसलिए सुबह सोने वालों को उठने के लिए कह रही है। तीसरा बंद है, ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं हुड़ मचाती, इधर से उधर उड़के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को भुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अब तीसरे बंद का मतलब बताती हूँ कि एग्जाम में क्या लिखोगे। तो तीसरे बंद में लिखोगे इस बंद में शायर कहता है कि सुबह होते ही चिड़िया पेड़ों पर शोर मचाती हैं अपनी चहचहट से, कभी वे उधर उड़के जाती हैं, कभी वे इधर उड़के जाती हैं, कभी अपनी दुमों को हिलाती हैं, कभी परों को हिलाती हैं और सुबह के आने से खुश हैं, इसलिए सुबह सोने वालों को उठने के लिए कह रही है। समझ में आए कि इस बंद में शायर ने क्या कहा है कि सुबह होते ही चिड़िया पेड़ों पर शोर मचाती हैं, अपनी चहचहट से वे कभी इधर उड़ती हैं कभी उधर उड़ती हैं, अपनी दुमों को हिलाती हैं और परों को हिलाती हैं और सुबह के आने से खुश होती हैं, इसलिए सुबह सोने वालों को उठने के लिए कह रही है। अब अगला बंद है, जो तोते ने बाघों में टेटे मचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचाई, और ऊंची मुंडेरों पे शमा भी गाई, मैं सो सो तरह दे रही हूँ दुआई, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अब चौथे बंद का मतलब पढ़कर बताती हूँ। इस बंद में शायर कहता है कि तोते बाघों में टेटे कर रहे हैं, बुलबुल भी चहचा रही है, श्यामा चिड़िया गा रही है, इसलिए सुबह होने वालों को दुआई दे रही है कि तुम भी उठ जाओ। समझ में आया कि इस बंद में शायर क्या कहता है कि तोते बाघों में टेटे कर रहे हैं, बुलबुल भी चहचहा रही है, श्यामा एक चिड़िया का नाम है तो श्यामा चिड़िया गा रही है, इसलिए सुबह होने वालों को दुआई दे रही है कि तुम भी उठ जाओ। आखिरी बंद है, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती हुई शमा को अंजमन में, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इस नज़्म को किसने लिखा है, इस्माइल मेरठी ने। इस बंद का भी मतलब बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो इस बंद में कहा गया है कि इस बंद में शायर कहता है कि सुबह कहती है कि मेरे आने से पहाड़ और जंगलों में चहल पहल है, हर मुल्क देश और वतन में भी रौनक है, चमन में मेरे आने से फूल खिल गए हैं और महफिलों में शमा भी बुझ गई है, ए सोने वालों उठ जाओ कि सुबह हो गई है। यानी कि यहाँ पर सुबह सबको उठने के लिए कह रही है कि सभी उठ गए हैं और तुम भी उठ जाओ। तो पूरे ही नज़्म मैंने आपको मायनों के साथ पढ़कर बता दी है। अब बच्चों, इस सबक के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे अल्फाज मायने भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे स्पेलिंग के साथ लिखकर याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। कैसे याद करोगे, स्पेलिंग के साथ लिखकर तो आपको जल्दी याद होगा। तो मशरिक का मतलब है पूरब, यानी कि जिस तरफ से सूरज निकलता है, ये डायरेक्शन का नाम है। मशरिक को हिंदी में पूरब कहते हैं, यानी कि जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब कहते हैं अनोखे को, हुल मचाना यानी कि शोर मचाना होता है। आमद का मतलब है आना, गुलशन का मतलब है बाग, मुंडेर का मतलब है दीवार के ऊपर का हिस्सा जो ढलवा होता है,
श्यामा यानी कि एक सुरीली आवाज वाली छोटी काली चिड़िया को कहते हैं, वन कहते हैं जंगल को, चमन कहते हैं बाग को, शमा कहते हैं मोमबत्ती को, अंजुमन कहते हैं महफिल को, रौनक कहते हैं चमक दमक या फिर चहल पहल को। तो सभी बच्चे याद से अल्फाज मायने याद करेंगे। अब बच्चों इस सबक की क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको अभी पढ़कर सुना देती हूँ। सवाल नंबर एक, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है? जवाब में लिखोगे, बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ से मुराद है कि सूरज मशरिक से निकलता है, इसलिए सुबह की आमद यानी कि सुबह होने की शुरुआत वहीं से होती है। समझ में आया कि सूरज मशरिक से निकलता है इसलिए सुबह होने की शुरुआत, सुबह होने की आमद वहीं से होती है। अगला सवाल है, दिन के आने की खबर लाने का क्या मतलब है? जवाब होगा, दिन के आने की खबर लाने का मतलब है कि सुबह हो गई है और चारों तरफ रोशनी फैल गई है। सवाल नंबर तीन, दरख्तों के ऊपर अजीब चहचहा है का क्या मतलब है? जवाब में लिखोगे, इसका मतलब है सुबह होते ही सभी परिंदे दरख्तों पर चहचहाने लगते हैं। सवाल नंबर चार, आखिरी बंद का मफहूम अपने अल्फाज में लिखना है यानी कि आखिरी बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखना है। तो मैंने जब आपको नज़्म को पढ़ाया था सभी बंद का मतलब भी लिखना बताया था, तो यहाँ पर आखिरी बंद का मफहूम पूछा गया है, पर आपसे एग्ज़ाम में किसी भी बंद का मतलब पूछा जा सकता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है हैंड टू हैंड। तो जवाब में लिखोगे, आखिरी बंद का मफहूम है कि मफहूम का मतलब है कि इसका क्या मीनिंग है आखिरी बंद का। तो सुबह होते ही पहाड़ों जंगलों और वतन में चहल पहल हो गई है, चमन में फूल फूल खिल गए हैं और रात को जो शमा जलती है सुबह होने से वे भी बुझ गई है, इसलिए ए सोने वालों तुम भी उठ जाओ सुबह हो गई है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए मिसरों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल करना है। तो आपने नज़्म पढ़ ली होगी, जिन बच्चों को लर्न होगी वही लिख पाएंगे। तो नज़्म का याद करना भी ज़रूरी है, पढ़कर बता दी हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिल है। जो तोते ने बाघों में टीटें बचाई, तो बुलबुल भी गुलशन में है चहचाई, और ऊँचे मंडेरों पर शामा भी गई, मैं सो तरह दे रही हूँ दुहाई, हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती हुई शमा को अंजमन में। अब यहाँ पर आपसे जुमले बनाने के लिए कहा गया है इन सभी लफ्ज़ों के, तो मैंने जुमले बना दिए हैं, पढ़कर बताती हूँ। तो पहला है अजान, तो लिखोगे मस्जिद में अजान हो रही है, गीत मुझे गीत गाना अच्छा लगता है, चिराग में शमा जलती है, चमन में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। तो यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। तो ये है दिन, शाम, गर्मी और सर्दी। अगला सवाल है, नीचे हर लफ्ज़ के सामने तीन तीन लफ्ज़ दिए गए हैं, सही मुतजाद को खाली जगह में लिखना है यानी कि इसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। उजाला का मुतजाद क्या होगा इन तीनों में से? चमकदार, अंधेरा और रोशनी में से? अंधेरा। इसी तरह खुशी का मुतजाद क्या होगा इन तीनों में से? खुशी का मुतजाद होगा गम, ऊंची का मुतजाद होगा नीची, बुझाती का इन तीनों में से क्या मुतजाद होगा? जलाती, उठाती या सजाती, तो बुझाती का होगा जलाती। ऊपर का क्या मुतजाद होगा इन तीनों में से? बराबर, दरमियान और नीचे, तो ऊपर का होगा नीचे। अगला सवाल है, अलिफ और बे के कॉलम में तरतीबी मिसरे लिखे हुए हैं, बेतरतीब हैं, आपको इनको तरतीब से एक दूसरे से मिलाना है और फिर तरतीब में लिखना है। जैसे कि पहला मिसरा, अजा पर अजा मुर्ख देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिख दोगे। अगला मिसरा, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिख दोगे साथ में। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है जाती, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर तीसरी वाली लाइन में लिख दोगे। दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद के हैं गीत गाती, तो इन दोनों ही लाइनों को मिलाकर यहाँ पर लिख दोगे। अगला सवाल है, नीचे दी गई तस्वीरों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो है तोता, तेवा तो, तोयलिता, तोता, बुलबुल, बेलाम्बुल, बेलाम्बुल, बुलबुल। आखिरी सवाल है, बुलंद आवाज से पढ़ना है और लिखना है, तो रौनक है, रौनक की स्पेलिंग क्या होगी? देखो रे कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे, रे वाव रो, नून बड़ा काफ नक,
रौनक, नेक्स्ट है अजब, तो पहले बनाओगे एन, फिर इसमें जे, फिर पे। अजब मूर्ख कैसे लिखोगे, पहले ऐसे मीम बना दोगे, बिंदी लगाओ, फिर ऐसे ऊपर से उठाते हुए इस बिंदी से मिलाओ, फैन बना दो मूर्ख। मशरक कैसे लिखोगे, मीम बना के शीन के दो शोशे रे बनाओगे, बड़ा वाला कफ मशरक। शमा कैसे लिखोगे, शीन के दो शोशे मीम, फिर इसके साथ एन बना दोगे, तो ये हो जाएगा शमा।